हेलो फ्रेंड्स, आज मिर्ज़ापुर ज़िला में खरंजा फॉल आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और मन को मोह लेने वाला दृश्य है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि आसपास की जो 15-20 ज़िले हैं जो मिर्ज़ापुर से सटे हैं या दूसरे ज़िले से सटे हैं, वहाँ तक के लोग आए हैं काफ़ी दूर दूर। जैसे आप वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे आसपास के जो ज़िले हैं हर जगह से लोग आए हुए हैं। और यहाँ ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। कभी आपको या समय मिले, मौका मिले तो आप आइए। और यहाँ का जो है खरंजा का वाटरफॉल का आनंद लीजिए। अभी बारिश यहाँ पे उतना हुआ नहीं है, लेकिन मौसम रोज़ाना बना रहा है। आजकल लगे हुए हैं, बारिश न होने के कारण यहाँ पे जो है पानी अभी इकट्ठा नहीं हो पाया है झरने में। ये आप थोड़ा सा ऊंचाई पाए हुए हैं पहाड़ पे, आप देख सकते हैं नज़ारा है क्या। हम मोबाइल को थोड़ा घुमा देते हैं, आप देखिए, ये देखिए काफ़ी दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर के आदमी यहीं पे आ गए हैं। ये थोड़ा नहीं है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये देखिए चारों तरफ, यहाँ पे लोग लिट्टी बाटी चोखा दाल चावल सब्जी रोटी सब चीज़ बना रहे हैं, जिसको जो पसंद है बना रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। सुबह से आए हुए हैं 6 बजे के, और आराम से लोग यहाँ से खा पी करके जो है यहाँ से शाम को 4 या 5 बजे निकलेंगे। खाते पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, वीडियो वगैरह भी बनाते हैं लोग यहाँ। ये देखिए हम थोड़ा सा और ऊंचाई पे आ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मकान बना हुआ है बहुत पुराना, लेकिन यहाँ का रख रखाव और देख रेख नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से सब मकान गिर पड़े हैं। देखिए काफ़ी पुराना है। सही जगह है, यहाँ आइए घूमिए। यहाँ का पता ये है मिर्ज़ापुर ज़िला, ज़िला में जो है आप स्टेशन पर उतरिए, वहाँ से आपको 20 से 25 रुपया बैटरी वाली गाड़ी करके आ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तब, अगर यहाँ रिजर्व करके आएंगे तो कम से कम 200 से 250 रुपया लेंगे, और करीब 12 से 13 किलोमीटर है मिर्ज़ापुर ज़िला से। तो देख सकते हैं, और भी दिखा रहे हैं आपको इधर। बहुत ही सही जगह है, घूम रहे हैं लोग। वो पुराना मकान है, चारों तरफ पहाड़ी है। आप यहाँ से आवाज भी सुन रहे होंगे। और नीचे चलते हैं, अब ऊंचाई पे आ गए थे, अब आप चलिए। मैं नीचे के वाला ही सीन देखने जा रहा हूँ, नीचे देखिए हरे भरे पेड़ है। ये देखिए अब ये कौन सा पेड़ है, देखिए सिर्फ और भी जो, और नीचे हम आ गए। खतरों से भरा हुआ ये रास्ता है, यहाँ पे मोटो ये था बनाने का कि जो है यहाँ का जगह और यहाँ के बारे में आपको बताना है। देखिए हम थोड़ा नीचे दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे बड़े बड़े चट्टान हैं, चट्टान से हम चढ़ के ऊपर गए हुए थे, उतरे हैं। ये देखिए
बारिश कभी भी हो सकता है, मौसम बना रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। आइए हम पानी के पास आते हैं, रोड पे आ गए हैं, बीच में रोड है। पैदल चल के जो है आ चुके हैं नीचे, देखो काफी मशक्कत के बाद उस रास्ते पर आ ही गए। करने जा रहे हैं नीचे पानी, बहुत बढ़िया रास्ता है। ए भाई देखिए पानी के पास लाते हैं। फाइनली हम जो है नीचे आ चुके हैं, करना है